नारी हेउ बा पुरुष सुंदर मुलायम स्किन किए बा न चाहे कारण यह आकर्षण व्यक्तित्व एक मापकाठी से तो एक फ्रेश और ग्लोईंग स्किन आम के कौन न करूँ अन्न्य ऋतु अपेक्षा शीत दिने वायुमंडल अधिक सूक्ष्म थाए यार कुप्रभाव सीधासलख आम स्किन पड़ी थाए तेज शीत दिने केमी ग्लो कर आपण स्किन कौन खाइबे किपर ने त्वचार जत्न आसतु जाना स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शिनी साहू ठार डॉक्टर साहू आपन को स्वागत ओटीवी को डॉक्टर साहू मु प्रथम आपन ठो जानबा पई चाहिबी जे शीत दिने स्किन रो मुख्य समस्या गुडी को कोन रही थाए शीत दिन रे हमरो वेदर ड्राई हेबा जगुरु हमरो स्किन रो मॉइस्चर लॉस्ट बढ़ी जाए जहाँ जगुरु की स्किन ड्राई बेसी हो जाए सेटा ही मुख्य कारण जहाँ जगुरु कि हमरो इरिटेशन हला कि कुंडेबा हो फाटीबा हो ए सब प्रॉब्लम तापरे स्टार्ट हुए ड्राइनेस बेसी बढ़ी जबा जगुरु आज्ञा जत मुख्य समस्या होची जे ड्राई हे जाय त्वचा आ जेतु वेदर रो मॉइस्चर कंटेंट कम थाए तनु स्किन रो नॉर्मल मॉइस्चर टा बेसी लॉस हुए एनवायरनमेंट को जहा जोगुरे कि नॉर्मल स्किन टा बेसी ड्राई हे जाय विंटर सीजन रे ओके शीत दिने स्किन रे क्यों क्यों रोग सब देखा दी थाए स्किन रो ड्राइनेस जोगुरु अमर सबठो कॉमनली होची जे आपनकर जेमति आपन देखिबे धळा हे जिबा फाटी जिबा आपनकर हाथ गोड़ जो मानकर बेसी ड्राई बहुत फाटी जाए तापरे आपनकर सोरियासिस बा एक्जिमा जो मानकर थाए सडा बहुत एक्सेसरबेट हे जाए मुंडरे डैंड्रफ बहुत बढ़ी जाए जो मानकर डैंड्रफ थाए आउ सबुठ ये होची जे आपनकर एजेड लोक मानकर बेसी मॉइस्चर लॉस हुए कारण से मानकर स्किन टा ऑलरेडी बहुत पतला थाए तो जनरली आमर जो मॉइस्चर लॉस हुए यंग लोकंकर एजेड लोकंकर बेसी हेबा जोगुरु बहुत इरिटेशन हुए से माने कुंडेई होंती बहुत कुंडेई करी खंडिया करी सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हे जाय तांकर जोटा की एक्जिमा को भी लीड कर जाय अर्थात वयस्क व्यक्ति मान को पई टिके अधिक देखा दी थाए से मान को टिके सिचुएशन आहुरी डिफिकल्ट हे जाय तांक पई विंटर रे आज्ञा तो केमति जत्न ने पुओ हूँ झी हूँ जो मैंने बाहर को जाऊँच वयस्क जमी आप कहे से क्षेत्र टी अधिक देखा दे थाए से केमती शीत दिन निजर जत्न ने शीत दिन में आमर फर्स्ट जिनस हूँ आम देहर जो मॉइस्चर लॉसटा होमती आम रिप्लेनिश करा तो आम ऑयल लगे फर्स्ट जिनस हूँ आम घर नड़िया तेल जहाँ भी आम तेल रेगुलर यूज करुच्छू गाधवा पूर्व निश्चय यूज करवा साबुन यूजटा को आम टे कम करवा जदि भी साबुन यूज करुचे तेल जो सब गुड़ा मॉइस्चराइजर रोचे ग्लिसरीन बेस रोचे सेगुड़ा यूज करवा फेस वॉश घरिका देखिकी यूज करवा जमीक आम स्किन मॉइस्चर आहुरी न काढ़ी दो तो सेटा करिबा आपण लिप्स क्रैकिंग पई आपण पेट्रोलियम जेली लगे पारे लिप जेल लगे पारे बाहर को गला बेले सनस्क्रीन यूज करिबे कना बहुत लोग शीत होउची ठंडा होउची भाभी खरा रे बसी जांती तापरे खरा रु भी सेमानकर एलर्जी स्टार्ट हे जाय सेटा भी बहुत इरिटेशन करे तुम सनस्क्रीन भी लगे बाहर को जिबे सेटा मेन जिनस होउची आपण मॉइस्चराइजर टा यूज करिबे आ मॉइस्चराइजर रो चॉइस टा भी देखिकिर करियाक पडिबो कना मॉइस्चराइजर रे बहुत प्रकार मिलु थाय तेणु जदि आप एक्सेसिव ड्राइनेस रोचे स्किन में जन जन जेनेटिकली बेसी ड्राई थाए स्किन जो विंटर बेसी एक्सेसरबेट हो जाए तो सेटा आप डॉक्टर को परामर्श से मॉइस्चराइजर ने बेटर हम जोटा कि आप रेगुलरली धुआ धुई है गाधेलापर जब इमिडियेटली मॉइस्चराइजर अप्लाई करें बहुत भल कम कर समस्त करते हैं जमी पूर्व कहे अधिक शीत हो तो गाधो सारापर जा खरार बस पड़ा कि आपले कि द्वारा अधिक टे खराब होता है सेटा कौन हुए कि खरा को आम जाऊे जे आमको उषुम लगे कि प्रॉब्लम कौन एस्पेशली एजेड लोक मैंने बहुत समय खरार बस जाती विंटर में बहुत समय खरार बस जाती आमर खराटा कि बहुत टाण होता है एस्पेशली सका आठटा रु बारटा गोटे पर्यटन जो जोर खरा हुए से जो यूवी एक्सपोजर टा बढ़ी जाए अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर बढ़ी जाए से जो एक्सपोज पार्टस गुड़ा आम स्किन में से राशेस स्टार्ट हो जाए जोटा कि बहुत जोर कुंडे हुए इरीटेसन कराए तो बहुत लोग से ही इरीटेसन फोटोडर्माटाइटिस सफर करती खरा को जदि जाऊँगी फुल स्लीव ड्रेस पिंधु एक्सपोज पार्ट कमे दिं सनस्क्रीन लगे जातु ओके मैडम कह जाए नाभिरे तेल पकेले ओठो फाटेनी यहाँ केते दूर ठीक तेल रो इम्पोर्टेंस बहुत बेसी विंटर रे सेथिपई बोधे एटा कहा जाउ थे पारे किंतु एक्चुअली नाभी रे तेल पकेले ओठ फाटिबनी एमती प्रकृति रे नाही एटा आमे फॉलो न करबा उचित मेडिकल साइंस रे नाही आज्ञा आज्ञा किंतु तेल निहाती लगे उचित विंटर रे वर्ष सारा सब प्रकार जिनमें सब बहुत हेल्पफुल तो जनरल न्यूट्रिशन भाई इनक्लूड करमिन टैबलेट्स ने पड़ा बट आपण जमी फल पर सब प्रकार जिन बैलेंस डाएट ने आमको सब प्रकार विटामिन भी मिलता है जो स्किन हेल्पफुल हम विंटर में
ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ଯେମିତିକି ଆମ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ବା ଠିକ୍ ରହିବ ଆମ ସ୍କିନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଆମକୁ ସିଜନାଲ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ପ୍ଲେଣ୍ଟିଲି ମିଳେ, ତ ସେଇଟାର ଆମେ ଲାଭ ନେବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଶାଗରେ, ଗାଜର ପ୍ରକାର ପରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତ ଦିନରେ ବେଶୀ, ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେତେ କଲର୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବହୁତ ଭଲ ମିଳେ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ନିଅନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ। ପ୍ଲସ୍ ପାଣିର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଆମର ଖରା ଦିନରେ ଝାଳ ହୁଏ, ଶୋଷ ଲାଗେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପାଣିର ଦରକାର ଅଛି ଆମକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ପିଉ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇନସେନ୍ସିବଲ୍ ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଏଶ୍ଚର କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମଏଶ୍ଚର ଟାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ ସେ ଲସ୍ଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ ପିଇବା, ତେଣୁ ପାଣି ବି ପିଇବା ଉଚିତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ। ଆଜ୍ଞା, ବିୟୁଟିସିଆନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଏ ଏକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଏ ତ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ରାସେସ୍ ଦେଖାଦିଏ, ଅନେକ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଦିଏ, ତ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରବିଂ, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରବିଂ କରନ୍ତି ମୁହଁରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ବେଶୀ ନ କରିବା ଉଚିତ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ। ପ୍ଲସ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ରିଲିଫ୍ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଫେସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସମର୍ରେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ସେଇଟା ଯଦି ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ଇରିଟେସନ୍ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଚୁଜ୍ କରିବେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍। ଯଦି ଫେସ୍ରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ବା ଲାଲ୍ ରାସେସ୍ ରହୁଛି ୱିଣ୍ଟର୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ଟାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଡ୍ରାଇ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବରଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍କିନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥେରାପି ସବୁ କରାଯାଉଛି ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିମ୍ପଲ୍ସ ଯଦି ବି ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନେ ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏସବୁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍କ୍ରବିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଫେସିଆଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲିନିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଶୀତ ଦିନେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମଏଶ୍ଚର କମ୍ ଅଛି, ଆମର ସମର୍ରେ ଯେମିତି ସ୍କିନ୍ ଅଏଲି ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ର କ୍ଲିନ୍ଜିଂଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ବି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ବେସ୍ ବା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଯେଉଁ ସାବୁନ ବା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ନର୍ମାଲି ସମର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେଇ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲିବା ୱିଣ୍ଟର୍ରେ, ସେଇଟା ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମର ପିମ୍ପଲ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି କରନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହବ। ଏବଂ ଆପଣ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ କଥା କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶୀତଦିନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ସମସ୍ୟା, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବା? ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଇୟର୍ ଥାଏ, କିଛି ଜଣଙ୍କର ସିଜନାଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବି ଲୋକର ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରାୟ, ବିକଜ୍ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କେଲିଂଟା ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଟର୍ ହେବ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଶାମ୍ପୁଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଶାମ୍ପୁ ବା ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଶୀତ ଦିନେ, ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ? ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ଟା ବଢ଼େଇଥାଏ, ତେଣୁ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ହେଲେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ର ଭଲ ହିଁ ହୁଏ, ତେଣୁ ସ୍କିନ୍ର ବି ଭଲ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ନିହାତି ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ପମ୍ପ କରୁଛି ପ୍ରତି ଅର୍ଗାନ୍କୁ ସେଇଟା ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍କୁଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ସ୍କିନ୍ ବି ନିହାତି ଗ୍ଲୋ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ପାଣିଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ନ ହେଇଯାଉ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ, କାହିଁକିନା ଝାଳ ବହିବାଟା କମିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ପାଣିଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆମେ କେବଳ ଶୀତ ଦିନେ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ସୋରିଆସିସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିମା ରୋଗୀ ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା? ସୋରିଆସିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ସ୍କିନ୍ର, ଯେମିତିକି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ରେଡ଼ନେସ୍ ରହେ, ଇରିଟେସନ୍ ରହେ, ଇଚିଂ ରହେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍କେଲିଂ ହୁଏ, ମାନେ ସ୍କିନ୍ଟା ଉପର ଚର୍ମଟା ଉଠି ଉଠିଯାଏ, ତ ସେହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଇନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ଜେନେରାଲି ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହୁ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସହ, କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମ୍ ଥିବା ସୋରିଆସିସ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ନଥିବ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ବି ସେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି।
तेणु से ही समय ट्रीटमेंट तो निहाती चलो सोरियासिस जहाँ ड्रग्स रही सेगुड़ा तो निहाती चले कहार कहार डोज आमको एडजस्ट कर बढ़ाया पड़े किंतु तांगे मेन जिनस सब आपड़ तेल निहाती लगातु डेली बेसीस अभ्यास करूँ तेल लगे मॉइश्चराइजर दिन को दुई थर तीन थर लगे पेट्रोल आटम जेलीटा बहुत भल से आम देहर मॉइश्चर को जीवाक दिए नहीं आटमोसफेयर को बंद कर अटकई रखिदे तेणु पेट्रोल आटम जेलीटा जो मोटा जगह जमीक आम हाथ पापुली और पाद तल जो मोटा जगह से आप डेली रात आगू वेसलीन जेली पेट्रोल आटम जेली लगातु से बहुत कम देव एक्जिमा जो हुए आम एक्जिमा बहुत प्रकार थाए आमर एस्पेशली विंटर रे कौन हुए जितने आम बहुत दिन रखीदी वुलेन जो गार्मेंट्स गुड़ा ब्लांकेट्स गुड़ा आम काढ़ू सेगुड़ा जितने यूज करा को लगू से बहुत जनकर एलर्जी स्टार्ट हुए जो मर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज अच्छी डस्ट एलर्जी बाई माइट्स एलर्जी से एलर्जी स्टार्ट हुए जहाँ जो स्किन रे इरीटेसन और कुंडे होगा स्टार्ट हुए कुंडे कुंडे से खंडिया करते से इनफेक्शन होगा जो सेगुड़ा मोटा है एक्जिमा हो जाए तेणु से कष्ट पाती तेणु आम मन रखा उचित जिते आम विंटर अप्रोच करुच्छे आगु आम आम ब्लांकेट आम वुलेन गार्मेंट्स मानक का सफा करवा खरार देवा डस्टिंग करवागुड़ा सब आगु कर देती प्रोब्लेम न हो कि उभय क्षेत्र में आप तेल और मॉइश्चराइजर टाक बहुत इम्पोर्टेंस देवा कथा एवं खाद्य पानी विषय तो आम आगु आलोचना करोगी मानी कौन किसी अलग रही कि सेमाने सब प्रकार खाद्य खातु किंतु आपणकर जो फैटी एसिड्स थिबा जिनस जोटा कि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स आम कहू जमी फिश ऑयल रे से गुड़ा बहुत थाए फिश ऑयल जमी थाए तेणु आप सब प्रकार जिनस खातु वेज नॉन वेज अवश्य से डिपेंड करुच्चे किए के ये खाऊँ कि मेन जिन बैलेंस्ड खातु मिल्क इनक्लूड करूँ जदि माऊँ तो भल देहपाई सब प्रकार पर फल रंगीन पर फल जोड़ा विटामिन ए आप बहुत मात्रा थाए से निहाती इनक्लूड करूँ डाएट्रे आपण पूर्वर मध्य डॉक्टर साहू कही सारी वयस्क व्यक्ति मान क्षेत्र में टी अधिका देखा जाए स्किन स्किन टी अधिका ड्राई हो जाए और ड्राइनेस जो अधिक समस्या देखा दी था तो आम आउ टे आपंठ जानवापी चाहेबू विस्तृत भाव में कौन प्रकृति में समस्या देखा दी था से निजर जत्न केमती ने ठीक कथा शीत दिन में वयस्क लोक मैंने बहुत सफर करती आम समस्ते विंटर ड्राइनेस रे सफर करूँ कि शीत दिन में वयस्क लोक प्रॉब्लम बहुत बढ़ी जाए आमर नॉर्मली स्किन रे गोटे बैरियर अच्छी जोटा कि आम मॉइश्चर को लॉस होगा बेस दिए मॉइश्चर आम जमी रोहू से हुए से प्रकार जिनस स्किन में रही जमीक आम स्किन किसी हुए तो मॉइश्चराइजर न लगे भी मॉइश्चराइज रो कि आम एज जिते हो जाते आम स्किन रो चेंजेस हो सब प्रकार ऑर्गन रे किसी चेंज होगा सह स्किन किसी चेंज हुए जहाँ जो स्किन टी पतला है आमर से बैरियर टा टिके डिफेक्टिव हला मॉइश्चर लॉस बढ़ी गला निजर जति मॉइश्चर कंटेंट नॉर्मली थाए सेटा भी कमी गला तेणु से जो ड्राइनेस हेबाटा बेसी बढ़ी जाए एस्पेशली हाथ एवं गोड़ गुड़ा से मानकर ड्राई हो जाए से माने व्यस्त हुंती कुंडे लागंती नख द्वारा कुंडे बा रांपी बा तेणु से लाल हो जाए आउ बहुत जन कौन करती भावती जे खरार बसिले भल लगे तेणु से माने खरार बहुत समय बसी जाती जहाँ जो कि जो बेक पिठी हाथ जो गुड़ा एक्सपोज एरिया रहा से यूवी लाइट रे जदि सेंसिटाइज है से रैशेस है रैशेस हो कि सीए भी कुंडे है ता छड़ा बहुत जन गरम पानी रे गोड़ बुड़ाती गरम पाखे सेकवा बोली भाविकी निया पाखे जो मैंने सेकिले उषुम जगार सेकिले से गुड़ा ड्राइनेस आहुरी बढ़े दिए आमको बहुत आराम लगे गरम पानी रे बुड़ेले गोड़ किंतु तापर मॉइश्चर कंटेंट बहुत लॉस हुए सेटा बेसी इरिटेशन करे शीत दिने वयस्क व्यक्ति माने खास करी गरम पानी रे गाधोई थांती मध्ये गाधै थांती तेणु सेटा को आपन नख उषुम पानी रे गाधांतु बेसी अधिका गरम पानी रे गाधांतुनी कि बहुत समय हाथ गोड़ गरम पानी रे बुड़ेले आराम लगुची बोली ता करंतु नाही सेटा करले बेसी आहुरी मॉइश्चर लॉस हे कि आपन को जो इरिटेशन सेटा आहुरी बढ़ी जिवो तेणु आप तेल लगे निश्चय गाधेबा पूर्व एवं गाधेबार अल्प समय भितर किसी मिनिट भितर ही आप मॉइश्चराइजिंग लोशन टा लगे ता सबुठ बेसी अब्जर्व हुए से ही समय तेणु जिते थर गोड़ हाथ धोउचंती एमती साबुन यूज करूँ जोड़ा आप मॉइश्चर बेसी टाणी देहर नॉर्मल साबुन मानक से यूज बेस करूँ गाधेपी ग्लिसरीन बेस्ट मॉइश्चराइजर बेस्ट सोप यूज करूँ जोड़ा आप स्किन को ऑयली रखे इमिडियेटली आप गोटे मॉइश्चराइजर लोशन लगातु जोटा कि आपंकर इरीटेशन टा बहुत कमे देबो एवं जदि खरा को जाउचंती ताले सनस्क्रीन यूज करंतु बा नहले आपण जति एक्सपोज्ड एरिया हात बेक ताको घोडे कि बसंतु आज्ञा एवं छोटो शिशु मानक कथा मध्ये एटी आसुची जो बडा देखा दैथाय से मानक मुंडरे तो से विषय आपण कोन कहबे चाहबे डॉक्टर साहू केमती शीत दिने शिशु मानकर जत्न आमे नबा
शिशु मानकर जो बड़ा देखा जाए था सेटा प्रायतः आमर जो तेल लगे बार अभ्यास अच्छे शिशु मानक सेटा बहुत भल से निश्चित भाव जो तेल मैसेज करवाटा आम इंडियन ईये रही ट्रेडिशन रे सेटा बहुत भल छुआ किंतु मुंड उपर जो अधिका तेल देवा जोगुरु एवं मुंडटा आम प्रायतः छुआ मानकर धोई पारुनी छोट छुआ मानकु मुंड धोई की गाधेबापाई निश्चित आम समस्त टिके डरू किंतु जो कंटिन्यूअस तेलटा लगे चलू ता जोगुरु मुंडटा बहुत अठाळिया हो जाए तेलिया हो कि अठाळिया हो जाए एवं से जो बड़ा हो जाए से जो बड़ा गुड़ा इवेन उपड़ी गला बेलू बाड़ सांगे बहुत छुआर उपड़ी जाए तेणु बापमा व्यस्त हेनी से गुड़ा सब इरिप्लेसेबल नुहे से छुआर पुणी से बाड़ उठी जाए बड़ा समस्त प्राय छुआ मान बड़ा देखा जाए तेणु से टे मैंने आप उषुम तेल लगे से बड़ा छड़ेदे मझे मझे टेद शेष प्रश्न डॉक्टर साहू जेहतु समय कम रही शेष प्रश्न आप उत्तर जानवाप चाहिए शीत दिन त्वचा घर उपचार सब कौन रही घर उपचार भितर मुझे कह आप तेल ही लगातु नड़िया तेल सोरिष तेल जोटा आप लगे आसदिन आम पुरन काल बेस्ट सब बेस्ट मॉइश्चराइजर हूँ आप नड़िया तेल सब बेस्ट मॉइश्चराइजर जदि आप जो भी तेल आप रेगुलर यूज करुले आगु से आजिकल प्राय लोक तेल लगो ना तेलटा निहाती देहप बहुत भल से आप कंटिन्यू करूँ और पेट्रोलाटम जेली जोटा कि आप सब कमनली आवेलेबल हम आपको सहीटा जब आप हाथ पाद रात लगे शोबे उठरे लगे शोबे आपंकर आउ सा फाटब भी ना शीत दिन में आज्ञा अनेक धन्यवाद डॉक्टर प्रियदर्शनी साहू स्किन स्पेशलिस्ट आम सहित रही अधिक आलोचना करते अनेक धन्यवाद मैडम आपको पुणी थे आम सहित एत समय धीरे आलोचना कर।